जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। नीलिमा, 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 नीलिमा। माधव, माधव क्या हुआ? यहाँ आओ, आओ बैठो, उठो, आओ। नीलिमा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। क्या हुआ माधव? नीलिमा, मैं बहुत अस्वस्थ हो रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा। मैं पानी देती हूँ, नीलिमा लो पानी पियो, पियो, ये लो पानी पियो। ठीक लग रहा है ना अब? हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है। नीलिमा, बहुत विचित्र लग रहा था मुझे, शरीर से जैसे मानो एकदम जान ही निकल गई मेरी, चक्कर आ रहा था। ये सब ऐसा क्यों हो रहा था अचानक? अरे कमजोरी आ गई है ना, इसलिए हो रहा होगा ये सब। तुम विटामिन्स की गोलियां स्टार्ट करोगे ना तो ठीक हो जाओगे। मैं ग्लूकोज दूं तुम्हें? नहीं, रहने दो, ठीक लग रहा है अब, थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं मुंबई तो जा पाऊंगा ना? माधव क्या हो गया है तुम्हें? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, पर तुम इस तरह के विचार छोड़ दो। नीलिमा पर माधव प्लीज, तुम ऐसे नहीं हो। आर्चिस अपने फ्रेंड्स से क्या कहता है पता है ना? मेरे डैड बहुत ब्रेव हैं, वो अपने डैड को ऐसे नहीं देख पाएगा। उसके सामने ऐसे रिएक्ट मत करना। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर जो कभी नहीं डरता था उस आर्चिस को भी अब डर लगने लगा है। प्लीज माधव। नीलिमा, तुम हो ना मेरे साथ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, है। सरिता, क्या बना रही हो? भैया के लिए दलिया बना रही हूँ। बना रही हो? वही कहने वाला था तुम्हें। आपके कहने से पहले ही मैं बना रही हूँ ना। उन लोगों को भले ही हमारी फिक्र ना हो, लेकिन हमें तो करनी होगी ना। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? लीजिए, बन गया, वो खाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। थोड़ा नमक डालो उसमें। क्यों डालूं? ज्यादा नमक अच्छा नहीं होता। अरे माधव ऐसे नहीं खाएगा, उसे चटपटा लगता है, बचपन से ही आदत है उसकी। अब इस बात का भी ख्याल रखूं। देखिए जरा। अच्छा बनाया। हाँ, कटोरी लाइए। अरे माधव, नीलिमा नहीं है तब तक एक काम करोगे? क्या आई, क्या है? ये अंगारा। अंगारा लगा ले, आराम मिलेगा तुझे। हाँ आई, पर तुम्हें तेरा भी विश्वास नहीं है ना? वैसी बात नहीं है आई। अच्छा ठीक है, लगाओ। अब सब ठीक होगा। हाँ। सरिता दलिया ला रही है, वो खा लेना। फिर से दलिया? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पुरवा, जा बेटा, नीचे जाकर दलिया तैयार हो गया होगा तो ले आ। दलिया? बाबा, ये लो माधव दलिया। ऐसे क्यों देख रही हो?
मैं दलिया ला नहीं सकता क्या? नहीं रे। ऐसे ही प्यार से रहो बाबा, एक दूसरे का ख्याल रखो। ये ले, वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ, दो फिर से दलिया ले ले। गरम है, गरम है, लाओ। आई, गांव आने के बाद ना फिर से बच्चा हो गया हूँ ऐसा लगता है। माधवा, हाँ? बच्चे माँ के लिए कभी बड़े नहीं होते, छोटे ही रहते। हाँ हाँ, ले। अरे अरे ले, अरे ना। हाँ दे दो, मुझे दे दो, मैं पीता हूँ ना। अच्छा, इतना भी बच्चा नहीं रहा अब मैं। आ गए। अर्चिस, रिपोर्ट मिली क्या? क्या कहा डॉक्टर ने? रिपोर्ट्स नॉर्मल है। पर माधव, तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। हाँ हाँ। सर पर क्या लगाया हुआ है? ये मैं वो अंगारा है, अच्छा लगे इसलिए लगाया। आई, ट्रीटमेंट शुरू की है ना, और अगर अंगारा लगाने से ही इंसान की सारी बीमारियां ठीक हो सकती थी तो लोग भला डॉक्टर के पास जाते ही क्यों? रिपोर्ट नॉर्मल है ना, फिर माधव अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? भैया, रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगता ही है। नीलिमा ने क्या कहा? अरे मतलब ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब दवाइयों का असर होने में भी देर लगती है? हाँ। अंगारा लगाने के बाद तेज आ गया है मेरे बच्चे के चेहरे पर। वैसे तो मैं ये बताने वाला नहीं था, पर माधव की अवस्था देखकर रहा नहीं गया। क्या हुआ बताओ भी। उस दिन मैं रघु काका को मिलने मंदिर वाले खेत में गया था। हाँ। सोचा रघु काका के सामने हाथ जोड़ूंगा और कहूंगा कि ये सब ठीक करो, पर वहां रघु काका के साथ नार्वेकर परिवार था। क्या ये यहाँ क्या कर रहे? लायकों के घर का सर्वनाश होगा सर्वनाश। नार्वेकर वहाँ क्या कर रहे थे? अब मंदिर वाले खेत में क्या काम होगा? नार्वेकर ने हमारे लिए बद्दुआ मांगी होगी और उसके बाद माधव बीमार पड़ गया, इसलिए अभिराम को बोलता हूँ उस नार्वेकर का रिश्ता नहीं चाहिए हमें। अब सच क्या झूठ क्या इसका पता लगाना ही होगा। मतलब मेरे कहने पर विश्वास नहीं तुम्हारा? ऐसी बात नहीं है, पर हम भैरवनाथ के मंदिर में एक बार माधव को लेकर चलते हैं। आई, भाभी मानेगी क्या? माधव। हाँ। आ बेटा, क्या हो रहा है आजिस? माधव बैठो, बैठो यार, बैठो बैठो। अरे आराम करना था ना। बोर हो गया था रे मैं, सोचा नीचे जाकर थोड़ा टहल कर आता हूँ। माधवा। हाँ? मैं क्या कह रही थी, मतलब इतना इलाज किया पर फिर भी तुम्हें ठीक नहीं लग रहा, तो एक बार भैरवनाथ के मंदिर में जाकर माथा टेक कर आओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ। इन्हें वीकनेस है, ये बाहर नहीं जा सकते। मामा, गाड़ी से ही तो जाना है। आर्चिस, तुम भी। मामा प्लीज, मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और वैसे भी बस माथा टेक कर ही आना है ना, और उसी बहाने यहाँ का एक पुराना मंदिर भी देखने को मिलेगा। अरे आप सब इतना बोल रहे हैं तो अब... ठीक है आर्चिस, तुम्हें मंदिर देखना है ना, इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ, पर एक शर्त है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। चलेगा, कोई हरकत नहीं, चलेंगे सब। आई, हम चलेंगे। हाँ। भगवान की कृपा है, उसके मन में था, उसी ने बुलाया है तुम्हें।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।